नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशिया कप 2023 का फाइनल जो कि खेला गया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आज का ये मैच का जो वेन्यू रहा वो रहा कोलंबो, जो कि श्रीलंका का कैपिटल है, उधर ही इस मैच का वेन्यू रहा। और व्हाट एक्सेप्शनली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का द्वारा, क्या शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा। और श्रीलंका का जहाँ तक मेरे को लगता है, श्रीलंका का जो बिगेस्ट मिस्टेक रहा, आफ्टर विनिंग द टॉस दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। अगर वो लोग सेकेंड बैटिंग लेता तो मे बी ये मैच का रुख कुछ और हो सकता था। वो लोग हालांकि श्रीलंका प्रोबेबली ये मैच नहीं जीतता, बट इंडिया ही जीतता, बट मैच का रोमांस कुछ और होता। बट श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए है काफ़ी ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका का ऑल आउट हो गया है 50 रन पर श्रीलंका, और चार चार बैट्समैन डक पर आउट गया है, डक मीन्स जीरो। चार बैट्समैन अपना खाता ही नहीं खोल पाया, विदाउट स्कोर चार बैट्समैन आउट हो गया। और व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज, काफ़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा उनका द्वारा। मोहम्मद सिराज का ये करियर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है ओडीआई स्कोर पर, और मोहम्मद सिराज इस वक्त पर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग पर 9th नंबर पर है। होपफुली ही विल बिकम अ नंबर वन बॉलर इन फ्यूचर, होप फॉर द बेस्ट, रेस्ट इज अप टू गॉड, नो वन नोस। क्योंकि क्रिकेट एक प्रेडिक्टेबल गेम है और इसमें फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर तक उनका फिटनेस रहता है या नहीं रहता है वो तो पता नहीं, बट आज का जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी शानदार रहा है। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर देकर 1 ओवर मेडन रहा उनका, 23 रन देकर 6 विकेट लिया, जसप्रीत बुमराह 1 विकेट लिया, एंड हार्दिक पांड्या उनका भी बॉलिंग पहले से काफ़ी उमदा हुआ है, उन्होंने 3 विकेट लिया है। तो श्रीलंका ऑल आउट हो गया है 50 रन पर। इससे पहले श्रीलंका ऑल आउट हुआ था 43 रन पर, जो कि उनका लोएस्ट स्कोर रहा, ये उनका सेकंड लोएस्ट स्कोर है। 50 रन पर ऑल आउट हो गया है, और इंडिया ने बिना विकेट गवाए ये मैच काफ़ी आराम से जीत गया है। विथिन द पावर प्ले इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। और मोहम्मद सिराज का ये आज एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने अपना जो मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है वो जीतने का बाद वो ग्राउंड स्टाफ को अपना मैन ऑफ द मैच का जो भी अवार्ड रहा, जो भी अमाउंट रहा $3,000, वो उनको दे दिया, ग्राउंड स्टाफ को दे दिया। और ग्राउंड स्टाफ को ACC जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उनके द्वारा, ये काउंसिल बोर्ड के द्वारा 50,000 का अवार्ड दिया गया है। क्योंकि श्रीलंका में अभी जो एशिया कप का जो होस्ट रहा है वो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन श्रीलंका में ही ज़्यादातर मैचेस खेला गया है, और श्रीलंका में काफ़ी सारा बारिशों का दिक्कत हुआ। ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी उमदा उनकी मतलब हार्ड वर्क रहा ड्यूरिंग दिस एंटायर टूर्नामेंट, क्योंकि बारिश का सीज़न था श्रीलंका में। तो ACC ने भी ये काफ़ी अच्छा योगदान दिया ग्राउंड स्टाफ को, ताकि उनका भी ऊर्जा बना रहे और फ्यूचर में और अच्छा से अपना ग्राउंड्स के देखभाल करें। इसके लिए $50,000 दिया गया ग्राउंड स्टाफ को, और जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहा उनको मिला $15,000। मैन ऑफ द सीरीज़ मेरे लिए काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट मैन ऑफ द सीरीज वुड बी शुभमन गिल के बारे में सोचा था, बट ये कुलदीप यादव को मिला, क्योंकि उनका बॉलिंग काफ़ी अच्छा रहा। पाकिस्तान का साथ जो इंडिया का मैच था उसमें उन्होंने 5 विकेट लिया था, काफ़ी अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा था, और उन्होंने इंटायर टूर्नामेंट में 9th विकेट लिया, 9 विकेट लिया कुलदीप यादव ने। और श्रीलंका रनर अप टीम को $75,000 मिला, और इंडियन क्रिकेट टीम को मिला है $1,50,000। और आज का मैच अगर श्रीलंका टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया होता तो मे बी श्रीलंका का लिटिल बिट चांस था, क्योंकि क्रिकेट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल गेम, वी कैंट प्रेडिक्ट अ गेम डायरेक्टली दैट दिस टीम विल विन। बट इंडिया का चांसेस बहुत ज़्यादा था आज का मैच जीतने का। बट श्रीलंका ने, जहाँ तक मेरे को लगता है कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लेता तो काफ़ी अच्छा होता। और रोहित शर्मा ने भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टॉस बोला था कि मैं भी बैटिंग करना ही चाहता था, तो अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता तो मैं भी ये मैच देखने का रोमांस कुछ और होता। ये मैं जो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो माइक भी थोड़ा बाद में बनाना पड़ता, बट टोटली एक तरफा मुकाबला रहा है। अगर मैच में थोड़ा और रोमांस होता, थोड़ा रन और अगर ज़्यादा ऐड कर पाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो क्या करें, क्रिकेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल गेम, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप का हर एक मैच का अपडेट मैं देते रहूँगा। शुक्रिया।